हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की लास्ट वीडियोस देख ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि हमने आर्टिकल सीरीज में लगभग छोटे बड़े सभी रूल्स को कवर किया है। ओके गाइज, नॉट ओनली कॉमन रूल्स बट एक्सेप्शनल्स, नोट्स, जो कुछ भी पॉसिबल है, ऑथेंटिक बुक्स में जिन यानी कि रूल्स को कवर किया गया है वो सब हमने यहाँ पर कवर किया है। चैनल पर अगर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो में क्या जानेंगे हम, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाएगा ये हम जानेंगे। तो पांच रूल को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है आज का, कि मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ये स्ट्रक्चर प्रयोग होता है तो हम यहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर बिफोर नाउन, जो कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उससे पहले हम यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात यहां पर कही जा रही है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं क्या है, ये वर्ब्स हैं सारी, इसके बाद वर्ब्स के ऑब्जेक्ट और फिर नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है। दे मेड हिम कैप्टन, ओके, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, उन्होंने उसे कैप्टन बनाया। अब यहां पर मेड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, ओके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये, कैप्टन क्या है, नाउन है, जबकि ये कॉमन नाउन है, याद रखना है आपको कैप्टन क्या है, कॉमन नाउन है। अब एज अ कॉम्प्लीमेंट कैप्टन वर्ड को यहां पर यूज किया गया है, तो कहा गया है रूल के मुताबिक आप हिम के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद और कैप्टन से पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अगर आप लिखेंगे द मेड हिम द कैप्टन, ये आपका गलत वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, We elected him chairman. हमने उसे चेयरमैन चुना है, ओके, तो elected ये रहा हमारा वर्ड, वर्ब है, ठीक है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद चेयरमैन क्या है, चेयरमैन एक नाउन है, ठीक है। अब यहां पर वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, यही स्ट्रक्चर बन रहा है। एज अ कॉम्प्लीमेंट चेयरमैन आया है तो हमें यहां पर द का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम बनाते हैं वी इलेक्टेड हिम द चेयरमैन तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। लाइक दे मेड हिम द कैप्टन तो रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वी इलेक्टेड हिम द चेयरमैन तो भी रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आपको एक बात और नोट करनी है, क्या नोट करनी है, कि अभी जिन पदों की बात की गई है वहां पर पद एक व्यक्ति के लिए है। लाइक वी मेड हिम कैप्टन, ओके, हमने उसे कैप्टन बना दिया या उन्होंने उसे कैप्टन बनाया। अब यहां पर कैप्टन एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। आप देखते हैं टीम्स जो होती है उनके कैप्टन कितने होते हैं, मेन कप्तान जो होता है वो कितने होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसी उपाधियां जिनके लिए एक ही यानी पद होते हैं, ये भी आप याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि नोट में इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है। वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, अब चेयरमैन किसी बॉडी का चेयरमैन होगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि पांच छह चेयरमैन होंगे एक ही बॉडी के, एक ही बोर्ड के, एक ही कमेटी के, एक ही व्यक्ति होता है, तो ये भी एक ऐसा पद है जो एक ही होता है। जैसे किसी भी साम्राज्य का, किंगडम का राजा, कितने राजा हो सकते, एक ही होगा राजा, तो किंग तो एक ही होगा। तो अब इससे रिलेटेड जो नोट है उसे हम समझेंगे, वो क्या है, यहां पर नोट है इन पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब परिस्थितियों में जहां पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। वी हैव अपॉइंटेड, देखो यहां पर अपॉइंट आ गया है और ये वर्ड कहां से है, यहां पर मौजूद है, हमने ये देखा है, यहां पर अपॉइंटेड आ गया, उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट आ गया। अब कलर का अगर आप देखें तो नाउन है, कॉमन नाउन होगा भले ही, लेकिन नाउन है। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट मान, एज अ कॉम्प्लीमेंट इसका प्रयोग किया गया है, तो फिर यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों हुआ है, उसकी वजह यह है क्योंकि कलर नाउन है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हुआ है, तो उसके साथ साथ ये क्या है, काउंटेबल नाउन के तौर पर भी
इस्तेमाल हुआ है। काउंटेबल नाउन मतलब, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ऑफिस में किसी संस्था में क्लर्क मतलब बाबू एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के तौर पर जब इसका प्रयोग किया गया तो उससे पहले हमने आर्टिकल ए का भी प्रयोग किया है। आप ये नहीं कह सकते वी हैव अपॉइंटेड हिम द क्लर्क, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पूरी ऑफिस में पूरी बहुत बड़ी बॉडी में पूरे बोर्ड में एक ही क्लर्क हो, एक से ज्यादा क्लर्क हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन चेयरमैन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। दे मेड हिम अ किंग, ये गलत हो जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे राजा बनाया, एक राजा नहीं है, वो एक ही राजा हो सकता है किसी साम्राज्य का, तो यहाँ पर दे मेड हिम द किंग भी यूज नहीं होगा, क्योंकि मेड क्या है, वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट और किंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे और ए का भी नहीं करेंगे, क्योंकि ए काउंटेबल नाउन के तौर पर जब प्रयोग किया जाएगा किंग को तब किया जाएगा, लेकिन जो सेंटेंस है उसमें काउंटेबल नाउन के तौर पर इसे प्रयोग नहीं किया गया है। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बारीक कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 22 देखिए, स्कूल कॉलेज चर्च बेड टेबल हॉस्पिटल मार्केट प्रिजन जेल कोर्ट टेम्पल मॉस्क यूनिवर्सिटी, ये सब अपने आप में क्या है, नाउन है, ये बात आपको मालूम है। आर्टिकल ए और एन और द इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्राइमरी पर्पस। ओके, क्या बात है, बात कही गई है कि इन शब्दों के जो अर्थ हैं या इनका जो प्रयोग है, इनका जो यूज है, इनका जो प्राइमरी पर्पस है, जो जिसके लिए इन सब को बनाया गया है, अगर इन शब्दों का प्रयोग उस काम के लिए किया जाए तो हम वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका भाई अभी भी अस्पताल में है, मतलब भर्ती है, तबीयत ठीक नहीं है। अब ये प्राइमरी पर्पज है किसका, हॉस्पिटल का, कि वहां बीमार रहते हैं, जब तक उनका इलाज चलता है वो वहां पर रहते हैं। उसी तरीके से देखिए, ही स्टेज इन बेड टिल एट एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह 8 बजे तक वो क्या है, सोता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेड का असल काम क्या है, कि उस पर आदमी सोता है, तो प्राइमरी पर्पस के तौर पर इस वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आर्टिकल द ए एन किसी का भी प्रयोग नहीं किया। उसी तरीके से हॉस्पिटल से पहले ना तो द का प्रयोग किया, ना ए का, ना एन का। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, अब स्कूल किस लिए होते हैं, सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए स्कूल बच्चे आते हैं, तो मैंने इंग्लिश सीखी स्कूल में, स्कूल में मैंने इंग्लिश सीखी, तो आप आई लर्नड इंग्लिश एट द स्कूल, एट अ स्कूल, एट एन स्कूल कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप एट स्कूल ही यूज करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, अब टेररिस्ट कोई एक इनोसेंट व्यक्ति तो होता नहीं, आतंकवादी होता है, और जेल है किसके लिए, आतंकवादियों के लिए, मुजरिमों के लिए, तो एकदम ये प्राइमरी पर्पस है जेल का, उसको बताने के लिए जेल का यूज किया गया है, तो हम क्या कहेंगे, द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, टेररिस्ट को जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पर चारों ही एग्जाम्पल में हॉस्पिटल है और बेड है, स्कूल है, जेल है, इनका जो प्राइमरी पर्पस है, मतलब बुनियादी जिस चीज के लिए इनको बनाया गया है, उसी का इस्तेमाल करने के लिए यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले आर्टिकल ना तो ए का, ना एन का, ना द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम आज के सेशन में अगले रूल को, रूल नहीं है, नॉट है, आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स व्हिच हैव मेंशन्ड व्हेन दे आर यूज्ड एज सेकेंडरी पर्पस। ओके, प्राइमरी पर्पस मतलब जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है, जो वर्ड्स अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े, उन्हें जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर उसी अर्थ में उनका प्रयोग किया जाएगा तो हम वहां पर ना तो ए का, ना एन का, ना द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए, असल पर्पस नहीं है, मेन जो उद्देश्य है वो नहीं है, बल्कि सेकेंडरी पर्पस है, तो हम क्या करेंगे, अदर पर्पस बोल सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया। अब यहां पर हॉस्पिटल
एज अ प्राइमरी पर्पज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। द बेड इज ब्रोकन, बेड का यूज हुआ है इस वर्ड का, लेकिन बेड टूटा हुआ है तो यहां पर प्राइमरी पर्पज वाले सेंस में यूज नहीं हुआ है, इसलिए द का यूज हुआ है। ही मेट मी एट द टेम्पल, वो मुझसे टेम्पल में मिला। यहाँ पर पूजा करने के लिए टेम्पल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बल्कि कि वो मुझे कहाँ मिला, टेम्पल में मिला, तो हमने द का यूज कर लिया है। द फादर गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स, ओके, जानते हैं आप फादर एक तो पिताजी के लिए यूज किया जाता है क्रिश्चियनिटी में, जो यानी कि प्रीस्ट होते हैं उनके लिए फादर वर्ड का यूज किया जाता है, हमने लास्ट वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया था। द फादर गोज टू द प्रिजन, यानी कि जो फादर है वो प्रिजन में जाते हैं, जेल जाते हैं, क्यों, समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स, जो मुजरिम होते हैं उन्हें लेक्चर्स देने के लिए, उन्हें अच्छी बातें नैतिकता सिखाने के लिए वो वहां पर जाते हैं, तो ये सेकेंडरी पर्पज है प्रिजन का। देयर इज अ स्कूल इन माय विलेज, यानी कि हमारे गांव में स्कूल है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी पर्पज को डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि सेकेंडरी पर्पज या अदर पर्पज को बता रहा है। तो यही बात नोट में कही गई है कि जब आप जो मेंशनड वर्ड्स हैं जिनका हमने लास्ट स्लाइड में अध्ययन किया है, अगर उनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के तौर पर अगर आप करते हैं तो वहां पर द का यूज करना सही होगा। रूल नंबर 23 देखिए, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाता है। विलेज आफ्टर विलेज, गांव दर गांव, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अखीर तक, प्रारंभ से अंत तक, साइड बाई साइड, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आर्म इन आर्म, रो अपॉन रो, ये जो स्ट्रक्चर है इसे असल में पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो क्या बात कही गई रूल नंबर 23 में, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन पैरेलल स्ट्रक्चर, मतलब विलेज आफ्टर द विलेज, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, साइड बाय द साइड, फ्रॉम द डोर टू द डोर, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, द आर्म इन द आर्म, द रो अपॉन द रो, इस प्रकार से आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, ये याद रखने वाली चीज है, आपको याद होना जरूरी है। रूल नंबर 24 देखते हैं, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन न्यूज हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिसेस, लिस्ट्स, आउटलाइंस, इन सभी में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, फाइव मैन डाइड इन एक्सीडेंट, ये खबरें होती हैं, न्यूज हेडिंग्स ऐसी बनती है, तो वहां पर द फाइव मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट ऐसा नहीं बोला जाता है, बल्कि क्या लिखा होता है, फाइव मैन डाइड इन एक्सीडेंट। स्कूल रीओपन्स ऑन 5th अगस्त, ये नोटिस है। तो इस प्रकार के अगर कोई वाक्य होते हैं जहां पे न्यूज हेडलाइंस हो या टेलीग्राम्स हो या नोटिसेस हो या कोई लिस्ट हो या कोई आउटलाइंस हो, खाका हो, ढांचा हो, तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट यूज इट। अगला रूल देखते हैं जो कि आज के सेशन का लास्ट रूल है, रूल नंबर 25, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन फ्रेजल एक्सप्रेशंस विच गिवन ब्लो, यानी कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशंस है जो नीचे दिए गए हैं उनमें हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। प्रीपोजिशन प्लस वर्ड, प्रीपोजिशन प्लस वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, ये स्ट्रक्चर बनता है, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करेंगे, सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एट वर्ड्स, ओके, एट प्लस वर्ड्स, अगर यहां पर ये स्ट्रक्चर हो, एट वॉर, एट नून, एट लीजर, एट इंटरेस्ट, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट साइट, एट लीस्ट, एट प्ले, तो आप इनके बीच में, इनके मिडल में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। एट द वॉर, एट द नून, एट द लीजर, एट द इंटरेस्ट, गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये फ्रेजेस याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इन प्लस वर्ड्स, इन हेवन, इन जेल, इन जेस्ट, इन लव, इन मोशन, इन कॉर्ट, इन हैंड, इन डेट, इन बेड, इनके बीच में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए, बाय प्लस वर्ड्स, मतलब बाय के साथ कोई वर्ड आए, बाय डे, बाय नेम, बाय नाइट,
बाय रोड, बाय हैंड, बाय एग्रीमेंट, बाय एक्सीडेंट, बाय हर्ट, बाय मिस्टेक। अगर आप इनके मध्य, इनके बीच में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो आपका गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट क्या है, ऑन प्लस वर्ड्स, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन फूट, ऑन सेल, ऑन हॉर्स बैक, ऑन डेक। अगर इनके दरमियान आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, मिस्टेक होगी, आपका स्ट्रक्चर गलत काउंट किया जाएगा, गलत माना जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट्री बॉक्स में जरूर बताइए, कोई कमी है तो वो भी जरूर बता दीजिए। शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।